अफतान, क्या हो रहा है? अकेले अकेले कॉफी पी रहे हो? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? अफतान, मैं और मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। यकीन करो। रियली? सच कह रही हो? बहुत हसीन लग रही हो आज। बहुत ही खूबसूरत। मैं क्या सोच रहा था कि किसका फोन है? क्या कह रहा था मैं? किसका फोन है? एक जानने वाला है यार, फजूल सा इंसान। काफी देर से कॉल्स कर रहा है, मैं नहीं सुन रहा था, तंग आके ऑफ कर दिया। देखो, अगर फजूल है तो दोस्त नहीं हो सकता, और अगर दोस्त है तो फजूल नहीं हो सकता। तो मैंने तो कहा है वो मेरा दोस्त नहीं है, जानने वाला है। मेरे एक दोस्त के थ्रू एक बिजनेस मीटिंग पे, एक बिजनेस लंच पे गए हुए थे, वहां मुलाकात हो गई। म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो इसके साथ भी जान पहचान हो गई। उसी चक्कर में उससे बातचीत हो गई, नंबर ले लिया उसने मेरा, और अब तंग कर रहा है कि मैं उसके काम करवा दूं। मुझसे नहीं होता यार। तो अपना तुम मना कर दो ना उसे, भी तो बुरी बात है कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। तुमने खुद ही नंबर दिया था ना, तुम फोन भी नहीं रिसीव कर रहे। इट्स बैड। कितने अफसोस की बात है वैसे। क्यों? इतनी रोमांटिक बातें कर रहा था मैं तुमसे, ये लेक्चर सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अच्छा मुझे बताओ, कॉफी पियोगी तुम? भाई मैं डर गया हूँ, अब अकेले कॉफी नहीं पी सकता, इसलिए तुम्हारे लिए अभी फटाफट कॉफी बना के ला। ओके। वैसे अगर आप आज मुझसे मिलने नहीं आते ना, तो मैंने आपसे नाराज हो जाना था बिल्कुल। अच्छा करती, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूं कि बस अब तुमसे बात करना छोड़ दो। क्यों भाई? क्या आप क्या सोच रहे हैं? बोले। सोच रहा हूं कि अगर मैं तुमसे मिलने ना आता तो क्या वाकई तुम मुझसे बात करना बंद कर देती? हाँ बिल्कुल बंद कर देती बात करना। ना आप मुझसे मिलते ना बात करते, तो फिर मैं क्यों आपसे बात करूं? और वैसे भी इतने दिन हो चुके, अब तो आपको मुझे अच्छे से जान लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन you'll be surprised to hear कि ना सिर्फ मैं तुम्हें जान गया हूँ बल्कि बहुत अच्छे से पहचान भी गया हूँ। मतलब? कुछ नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या खाओगी, कहाँ चले? मुझे आप ही बताएं कि आपको अगर भूख लग रही तो आप क्या खाएंगे। सच बताऊं मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। अच्छा चलें ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि हम बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। बोलो।